मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए और बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ज्वाइन कराने के लिए आया हूं। आदित्यनाथ जी ने एक मिशन शक्ति शुरू किया कल से नवरात्रि के अवसर पे, आज उसका मतलब समझ में आ गया। दरअसल आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति था भाजपा के नेताओं अपनी शक्ति दिखाओ महिलाओं की इज्जत कुचलने के लिए, और लखीमपुर खीरी में एक महिला कांस्टेबल को बीजेपी का नेता छेड़ता है, वो महिला कांस्टेबल उसको थाने पर ले जाती है बीजेपी नेता को, और बीजेपी का विधायक उसको छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है और छुड़ाकर ले जाता है। यह है आदित्यनाथ जी की मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का बरगाह बन गया है। हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, चित्रकूट में एक दलित की बेटी का गैंगरेप हुआ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली, प्रतापगढ़ में 6 महीने तक छेड़खानी हुई एक बच्ची के साथ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली, गोरखपुर में 4 लड़कों ने एक लड़की को मारा पीटा, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली, पडरौना में एक हाई स्कूल की लड़की को लगातार छेड़ा गया तो उसने अपने आप को जला के मार लिया। यानी बेटियां अपने आप को जलाकर मारना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद नहीं है। बाराबंकी में जो गुनाह हाथरस का हुआ था वही गुनाह दोहराया गया, और मुझे अफसोस है कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद, उच्च न्यायालय से लताड़ खाने के बावजूद, ये पूछने के बावजूद कि क्या एक अमीर की बेटी होती तो रात में 2 बजे जला देते आप, वही काम बाराबंकी में किया गया। पिता रोता रहा, हम दलित समाज से हैं, मेरी बेटी अविवाहिता है, हम उसकी मिट्टी करेंगे, हम इसको जलाएंगे नहीं, हमारे रीति रिवाज में है, लेकिन जबरन सबूत मिटाने के लिए उसकी भी लाश जला दी गई जो बाराबंकी में गैंगरेप हुआ। योगी जी, अब आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए अब आपको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार